और देखिए सैम्पलिंग कितनी जबरदस्त चल रही है यहाँ पर। तो देख सकते हैं गाइस कितनी भीड़ है यहाँ पर। मॉर्निंग, ये है मॉर्निंग और इसी को हम कर रहे हैं टेस्ट। तो गाइस आइसक्रीम का भी टेस्ट लिया जा रहा है यहाँ पर। स्पाइसी जामुन आइसक्रीम में दे लगा रहा हूँ। तो गाइस देख सकते हैं हम इस टाइम बैठे हुए हैं विवा के स्टॉल पर और यहाँ देख सकते हैं इनके स्टॉल पर काफी भीड़ है। तो गाइस देखिए यहाँ बन रहा है चिल्ली विवा का बर्गर। तो गाइस अब चलते हैं यहाँ से ऊपर। तो गाइस देख रहे हैं ये है प्रगति मैदान और अभी काफी इन्होंने इम्प्रूवमेंट किया है, चारों तरफ बन रहा है। ये था मेन हॉल हम। तो गाइस अब हम आ गए हैं सेकंड फ्लोर पर और देखिए सेकंड फ्लोर पे भी काफी बड़े बड़े हॉल। देखिए अब हम आ गए हैं सेकंड फ्लोर पर और इस बार बढ़ता ही जा रहा है, चार गुना बड़ा लगा हुआ है। देखिए लद्दाख बास्केट, यहाँ सब लद्दाख के स्टॉल आए हुए हैं। लाल पेठा, लाल पेड़ा कहाँ, बनारस का है, मैन्युफैक्चरिंग वही बनारस होती है। तो ये देखिए आप बनारस से ही आए हो, तो ये देखिए बनारस से आए हुए। उदय श्री मुस्कान किस का ये रहा? तो ये क्या हार्ड रहता है क्या? पंद्रह से बीस दिन। तो इसका प्राइस क्या है? 600 रुपये के जी का। तो आप कैसे इसको वो करते हैं, डील करते हैं? डील मतलब आपको जैसे कि बनारस से माल कहीं और भेजना। अच्छा ऑनलाइन डिलीवरी, ऑनलाइन के थ्रू तो देखिए इसकी शेल्फ लाइफ है 15 से 20 दिन। ये है बनारस का लाल पेड़ा पेड़ा और अभी हमने आपको चेक करा और काफ़ी अच्छा इसका टेस्ट है। तो ये बनारस से आए हुए उदय श्री मुस्कान। दिल्ली में मिल जाएगी सर ऑनलाइन आपको। तो गाइस एक किया आया हुआ स्टॉल आहार के अंदर मिर्ज़ापुर पीतल बर्तन। तो ये मिर्ज़ापुर का है, बर्तन तो पीतल के हर जगह मिल जाएंगे। तो सर बताइए इसके बारे में, मिर्ज़ापुर से कैसे आना हुआ आपका? मिर्ज़ापुर से हम लोग का ये 2021 में हमको GI हुआ है जी, ग्राफिकल इंडिकेशन का हमको GI मिला। और ये आहार जो फेस्टिवल ये लगा हुआ है एग्जीबिशन GI टैग की वजह से, ये हम लोग का आहार से रिलेटेड प्रोडक्ट है। अच्छा आहार से रिलेटेड है। और इसी में हम लोग आहार बनाते हैं जी, खाना बनाने के लिए और खाना बनाने के लिए जाहिर सी बात है। तो ये कॉपर एंड जिंक एलाय होता है पीतल जी, और जो हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। हमारे शरीर में कई तरह के खनिज पदार्थ मिलते हैं जो उस डिसबैलेंस को बराबर बनाए रखता है। अब प्रतिदिन अगर हम लोग इसमें कोई भी सामान बनाते हैं जी, और जब इसमें ऑयल वगैरह हीट करेंगे तो इसमें कॉपर एंड जिंक वो आपके ऑयल में आएगा और ऑयल के माध्यम से हमारे शरीर को एब्जॉर्ब करता है जो हमारे स्वस्थ रहने में बहुत फायदेमंद होता है। और कुल मिलाकर के ये पीतल के बर्तन कॉपर है, कासा है, फूल है, ये हमारे शरीर को पूरा स्वस्थ रखते हैं और स्वस्थ वर्धक ये हमारा प्रोडक्ट है जिसकी वजह से हम लोग ये
यहाँ पे लगाए हैं। तो यहाँ फर्स्ट टाइम आए सर? ये मेरा फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम आए तो ये फेस्टिवल मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग सब आपकी अपनी है? हाँ, मैन्युफैक्चरिंग अपनी है, मिर्जापुर में। मिर्जापुर में किस नाम से? सताक्षी इंटरप्राइजेस। सताक्षी इंटरप्राइजेस, बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर। तो गाइस, एक ये स्टॉल आया हुआ रशियन फूड एंड बेवरेज, और देखिए काफी बड़ा स्टॉल है। तो रशिया से आया हुआ, तो गाइस आहार के अंदर आए हुए हैं। और यहाँ पर आया है केरला का एक स्टॉल आया हुआ है, और ये देखिए ये मैंगो है। सर कहाँ से आए? केरला से? केरला से। अच्छा, माय मैंगो इन केरला। अच्छा, इन इंडिया इन फर्स्ट टाइम इन द मैंगो जनवरी सीजन। जनवरी सीजन, देखिए ये जनवरी सीजन में देखिए केरला का मैंगो आ जाता है। और ये देखिए ये है इसके कुटिया, क्या नाम है इसका सर? कुटिया टूर मैंगो इन केलनूर डिस्ट्रिक्ट केरला। देखिए ये इसके मतलब की टैग जियोग्राफिकली आइडेंटिफाइड। अच्छा, जियोग्राफिकली आइडेंटिफाइड मैंगो, द टेस्ट इज वेरी गुड। तो देखिए ये है केरला का मैंगो, वेरी गुड। और आप यहाँ देखिए इनके यहाँ से ये इनकी साइट पे जाके ये मैंगो मंगा सकते हैं। ये है इनका नंबर, देखिए आप ये ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। 100 रुपीज के जी है, 100 रुपीज पर के जी, और 5 किलो आप वहाँ से मंगा सकते हैं जनवरी के अंदर। और हमारे नॉर्थ इंडिया में तो मैंगो लेट आता है। और परचेज का 20% लेस होलसेल, 20% लेस। तो गाइस देखें ये हैं, ये केरला से आए हुए हैं, और इन्होंने अभी हमको ड्रिंक भी पिलाया। ये इनका ड्रिंक था जो इनका बहुत ही स्वीटनेस ड्रिंक था। ये मैंगो है वहाँ का। तो भाई एक स्टॉल ये आया है गोरखपुर पॉटरी के नाम से, और देखिए ये बनाते हैं मिट्टी के बर्तन। तो भाई देखिए एक से एक स्टॉल आया हुआ है प्रगति मैदान के अंदर। ये देखिए सॉफ्रॉन का स्टॉल है, यहाँ सॉफ्रॉन मिलेगी काश्मीर बेस्ट। तो गाइस अब हम आ गए हैं हॉल नंबर 2 के अंदर, और देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ भी काफी रश है। अगर मैं एक दिन आपको एक्सप्लोर कराना चाहूँ तो नहीं करा सकता, तो काफी स्टॉल आए हुए हैं यहाँ पर। और तो गाइस एक ये स्टॉल आया हुआ है कश्मीर से, ये है रहमत। तो बेसिकली क्या ये मसाले वगैरह बनाते हैं? स्पाइसी से हमारा सर, कुछ प्रोडक्ट्स और है हमारे पास, लाइक जैसे डायमंड है, मसाला टिक्की है, सैफ्रॉन है, डायमंड सैफ्रॉन है। अच्छा, डायमंड सैफ्रॉन भी है। एंड कहवा है, कश्मीरी टी जिसको बोलते हैं हम जी। सो हमारे कई सारे प्रोडक्ट हैं स्पाइसीज में, हमारे अप्रोक्स 60 प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, ये अभी जो आप देख रहे हैं सारा एक्सपोर्ट रेंज है, इसके अलावा डोमेस्टिक रेंज भी है। अच्छा, उसमें और प्रोडक्ट्स कुछ ऐड है इसमें। तो आप ये इंडिया में बिजनेस कैसे करते हैं? इंडिया में हमारा B2B बिजनेस चलता है। B2B बिजनेस चलता है, अभी हमारा श्रीनगर में है, बाहर अब्रॉड में भी है। अच्छा, दुबई है और कतर है, कई जगह है, मतलब जगह है। मतलब एक्सपोर्ट भी करते हैं आप? जी, एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो इसमें आपका मेन प्रोडक्ट जो है डायमंड है या रहमत है? एक्चुअली रहमत हमारा स्पाइसेस में हमारा है, स्पाइसी रहमत। डायमंड जो है हमारा सैफ्रॉन बनाता है, सैफ्रॉन बनाता है, और कहवा बनाता है, कहवा बनाता है, मसाला टिक्की बनाता है। तो ये है हमारा दो ब्रांड्स है हमारे बेसिकली। तो ये अप्रोक्स 22-25 ईयर्स ओल्ड ब्रांड है, कश्मीर बेस्ड है, और यहाँ दिल्ली में हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस है। ऑलरेडी यहाँ पे भी वर्किंग हो रहा है, चल रहा है, काम चल रहा है। दिल्ली में भी हमारे काम हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। सो अदर्स हम डिस्ट्रीब्यूटर और क्रिएट कर रहे हैं नए। तो यहाँ सर पहली बार आए हैं आहार में? नहीं, हम आहार में एक दो बार और आ चुके हैं। अच्छा, एक दो बार और आ चुके हैं। तो देखिए एक ये स्टॉल आया हुआ है कश्मीर से, अभी हमने आपको एक्सप्लोर करा। ये है रहमत के नाम से स्पाइस बनाते हैं। चलिए सर, थैंक यू। थैंक यू गाइस। देखिए ये है कश्मीर का एक स्टॉल आया हुआ है,
तो यहाँ मिलेगा आपको टर्के स्वीट्स, एक से एक वैरायटी है। तो ये डेट्स के अंदर डील करते हैं, डेट्स और चॉकलेट मिक्स। तो गाइस देखिए एक ये है रेडी टू ईट प्रोडक्ट, आधा इनके बिरयानी मसाला ग्रेवी टी एस के, और यहाँ मैंने नई भी दाल मखनी तो सर्व की जा रही। सर एक ये आया स्टॉल दिल्ली बेस्ड कंपनी है नाचोस, स्टॉल ये आया हुआ है ओम साई एग्रो एंड फूड वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड। तो देखिए शेजवान चटनी वगैरह सिरप वगैरह में डील करते हैं, सॉसेस बनाते हैं। क्या फ्लेवर है सर? ये देसी बंटा। तो ये देसी बंटा है, काफी अच्छा टेस्ट है इसका। तो गाइस देख सकते हैं ये लगा हुआ है केरला का स्टॉल, यहाँ आपको केरला के सारे प्रोडक्ट मिलेंगे। मालाबार कोकोनट प्रोडक्ट्स कन्नूर, ये सर क्या प्रोडक्ट है? ये नारियल का प्रोडक्ट है, नारियल का स्पेशल आइटम सर। अच्छा, नारियल का चिकन बनाने का मसाला है, नारियल का चटनी है। अच्छा, टोटल नारियल बेस्ड है। नारियल बेस्ड। तो देखिए गाइस ये नारियल बेस्ड सारे मसाले इसमें यूज होते हैं जो नारियल के साथ बनते हैं। ये केरला की है कंपनी, कितने तीन फ्लेवर? चार फ्लेवर है, एक खत्म हो गया। अच्छा, एक खत्म हो गया। तो इसके अंदर तीन फ्लेवर आते हैं, ये कौन कौन सा फ्लेवर है? ये प्रॉन्स का है, ये प्रॉन्स का, चिकन बनाने का मसाला ठीक है, वो खत्म हो गया। तो देखिए ये केरला का यहाँ स्टॉल लगा हुआ है, इस स्टॉल के अंदर हम आए हुए हैं। सर क्या बताया? ये नारियल का हलवा। नारियल का हलवा तो गाइस यहाँ हमने खाया अभी नारियल का हलवा जो कि काफी बेस्ट था। तो ये जो है केरला के सारे स्टॉल लगे हुए हैं साइड में, आदर्श फूड्स सनक की चूरण। इस साइड में सारे स्पाइसी के स्टॉल लगे हुए हैं। तो गाइस ये है पीएफसी फूड्स, सर कहाँ की कंपनी है? मोहाली। मोहाली
कभी आप क्या बना रहे हो? मटन। तो वेज है या नॉन वेज में? पोलार है, प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट, पोलार वेज। अच्छा, टेस्ट लाइक वेज, पोलार वेज। तो देखिए सर, यहाँ एक से एक आइटम बन रहा है। तो गाइस ये देख लेना, तो देखिए गाइस ये है वेज, नॉन वेज नहीं है, 100% वेज, प्लांट बेस्ड प्लांट बेस्ड। हेलो मैम, हाउ आर यू, गुड टू सी यू अगेन। तो देखिए सर, यहां हो रही है सैंपलिंग कंपनी की। और दो स्टिक हम भी लेके। तो गाइस आप, हम आ गए हैं PFC फूड पर और यहाँ मजा ले रहे हैं हम स्टिक का। थैंक यू सो मच सर, वेलकम। तो यहाँ पर आए हुए थे हम, बहुत ही गजब का टेस्ट था, जबरदस्त गार्लिक और काफी स्पाइसी है। ये एक स्टॉल ये आया हुआ प्रभाती, बेसिक नाम है वैसे प्रिया एंटरप्राइजेस, ये है इंदौर की कंपनी। तो ये जो है काफी प्रोडक्ट बनाते हैं बच्चों के, तो देख सकते हैं इसमें ये छोटे छोटे बच्चों के जो प्रोडक्ट होते हैं, कैंडी हैं, टॉफी हैं, काफी वैरायटी है इनके पास। ये देखिए नाम इनका थोड़ा फाती। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रितेश बदलानी है। सर कहाँ से आए हैं? मैं इंदौर से हूँ, मैं ओनर हूँ खुराफाती कन्फेक्शनरी का जी। हम लोग कई सारी रेंज बनाते हैं, अभी हम लोग 125 प्लस प्रोडक्ट्स बना रहे हैं कन्फेक्शनरी में, जिसमें ना खजाना की रेंज है, ब्लिस्टर प्रोडक्ट्स की रेंज है, मोल्डिंग चॉकलेट्स की रेंज है, और हम बचपन बेस्ड प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जो बचपन में लोग चांद तारे, संतरा कैंडी इस टाइप के। सर दिखाइए पहले मेरे को आप। हम बचपन में अपन ने चांद तारे के प्रोडक्ट्स बहुत खाए हैं, ये चांद तारा है, ठीक है, बचपन की यादें ताज़ा करते हैं ये इस टाइप के प्रोडक्ट्स। हम कुछ ब्लिस्टर में प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे ये बबल गम फ्लेवर जेम्स है, अभी तक आपने बबल गम खाई होगी, हम लोग बबल गम फ्लेवर में जेम्स बना रहे हैं बच्चों के लिए। कई पेरेंट्स होते हैं बच्चों को बबल गम प्रेफर नहीं करने देते, तो ये उसके लिए जेम्स बनाई है हमने। इसके बाद कुछ बचपन बेस के कैंडी हैं, बचपन में आपने संतरा कैंडी हमेशा खाई है, आज भी लोगों की पसंद है, वो चीज़ को हम फिर से उस ट्रेंड में लेके आए हैं, वो सब बना रहे हैं। तो सर अपना जो है प्रोडक्ट जो है 1 रुपये से स्टार्ट है? बिल्कुल सर, हम लोग 1 रुपये से स्टार्ट है हमारा प्रोडक्ट, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये की रेंज के कई प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, 1 रुपये से लेकर 5 रुपये। जी बिल्कुल। तो देखिए ये थे खुराफाती, तो आए हुए हैं इंदौर से, अभी हमने इनका स्टॉल दिखाया। तो गाइस आज हम आए हुए थे आहार में, आज हमने आपको एक्सप्लोर कराया आहार। तो अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर करें, लाइक करें, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।